काम करने का हुनर सीखना हो तो तुमसे सीखना चाहिए। अरे फल बेचने का क्या गजब तरीका ढूंढ निकाला तुमने। एक ऑटो रिक्शा खरीद लिया, उस ऑटो रिक्शा में पीछे फल रख के बेच रहे हो गली गली आप। पहले तो आप ठेले पे फल बेचते थे मोदी जी, ठेला क्यों बेच दिया? योगी जी ठेला खींचते खींचते मेरे हाथ में छाले पड़ गए थे और ठेले पे मैं फल गांव के सिर्फ एक मोहल्ले में ही बेच पाता था। अब मैंने ये ऑटो रिक्शा खरीद लिया है, इस पे फल रख के मैं कई गांव घूम लेता हूँ, कई गांव में फल बेच आता हूँ। भाई से केला क्या रेट दे रहे हो? 100 रुपए के 1200 रुपए दर्जन। और सेब? सेब बहुत बढ़िया है तुम्हारा, 20 रुपए किलो। और ये पपीता? पपीता क्या रेट बेच रहे हो? अरे योगी जी सिर्फ मजाक कर रही हूँ या कुछ लोगे भी? एक एक करके सारे फलों के रेट पूछ रहे हो तुम, लेना है कुछ के नहीं है बताओ? जब से मेरे ऑटो रिक्शा के पास आके खड़े हुए हो एक ग्राहक भी नहीं आया है फल लेने के लिए। जाऊं योगी जी कोई काम करो घर जाके। अरे राहुल आ गया, राहुल शायद राहुल कुछ ले। अरे मोदी जी पपीता क्या रेट बेच रहे हो? 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ राहुल, ले लो ताजा पपीता है। और सेब? सेब क्या रेट बेच रहे हो? 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ सेब, सेब भी बढ़िया है ले लो। अरे क्या मोदी जी, अभी तुमने मुझे सेब का रेट 20 रुपए किलो बताया था, अब राहुल को रेट 50 रुपए किलो बता रहे हो, ये क्या बात हुई? योगी जी यहाँ खड़े होके बेफालतू की बात तो करो मत, मेरे फल मैं किसी रेट में बेचूं तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें मैंने सेब 20 रुपए किलो बताए थे, राहुल को 50 रुपए किलो बेचना चाहता हूँ, मेरे मन की बात है। अरे लालू सर जी आ गए। भाई ऑटो रिक्शा में खूब फल बेच रहे हो मोदी जी, अच्छी आमदनी हो रही है तुम्हारी, केला क्या रेट दे रहे हो? 1 दर्जन केले दे दो। अरे लालू सर जी 10 रुपए दर्जन लग जाएंगे, 10 रुपए के 12, ले लो 1 दर्जन केले। अरे क्या मोदी जी इतनी लंबी फेंकते हो, अभी तुमने मुझे केले 100 रुपए दर्जन बताए थे, 100 रुपए के 12, और लालू सर को आप 10 रुपए के 12 बता रहे हो, ये कोई बात हुई? हर ग्राहक को अलग अलग रेट क्यों बता रहे हो? ऐसे तुम्हारी बिक्री कहाँ हो जाएगी? देखो योगी जी मैंने पहले भी कहा अपना काम करो जाके, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। मैं उन्हें केला इसलिए सस्ता दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरा चालान नहीं काटते, एक दूसरे से हमारा यूं ही चलता रहता है। मैं उन्हें फल सस्ते दे देता हूँ, वो मेरा चालान नहीं काटते। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।